A cylindrical bar of diameter 7 centimeter is made. By melting this piece, find the radius of the this bar, cylindrical bar का आपने क्या करना है, radius निकालना. So write down this statement. We are given metallic a piece of copper wire नहीं है, a piece of copper with cubical edge 14 centimeter. इस क्यूब की जो हमें एज गिवन है वो 14 सेंटीमीटर गिवन है. सिलेंड्रिकल बार ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर इज मेड बाय मेल्टिंग दिस पीस. इस पीस को, कॉपर का जो क्यूबिकल शेप का पीस है, इसको मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया जाता है जिसका आपको डायमीटर गिवन है 7 सेंटीमीटर और रेडियस जो है वो हमें फाइंड आउट करना है. रेडियस हमें फाइंड आउट करना है, डायमीटर हमें इसका 7 सेंटीमीटर गिवन है और एक्चुअल में चीज क्या थी, वो कॉपर था, मेटल कॉपर था और शेप क्या थी उसकी, क्यूबिकल यानी कि क्यूब था. क्यूब की हमें एज गिवन है. अगेन जब हम मेल्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, तो वॉल्यूम जो है वो हमने सेम रखनी है. इट मींस अब हम जब क्यूब से सिलेंडर बना रहे हैं तो वॉल्यूम जो सिलेंडर फॉर्म्ड है सिलेंड्रिकल जो बार है दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जो कॉपर का क्यूब था आपका. अब जो रेडियस फाइंड करना, हाँ जी रेडियस बच्चे फाइंड आउट करना है आपको. मैम हमें डायमीटर गिवन है, मैं उसको 2 से डिवाइड कर दें फिर रेडियस आ जाएगा. यस वो आएगा आपका, नहीं फाइंड द हाइट है नॉट रेडियस, मेक द करेक्शन ओवर हियर क्योंकि अदरवाइज वो आपका डायरेक्ट हो जाएगा. यहाँ हाइट कर लो, फाइंड द हाइट या लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल ऑफ दिस बार या फाइंड द हाइट ऑफ दिस बार, तो दैट्स वन एंड द सेम थिंग. लेंथ यानी कि हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है. अगर रेडियस होता तो डायरेक्ट आ जाना था आपका डिवाइड बाय 2 करके. सो ये हमें क्यूब गिवन है जिसकी एज 14 सेंटीमीटर है, इसको मेल्ट करके सिलेंडर बनाया गया जिसका हमें डायमीटर गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्म्ड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्योंकि मेल्टिंग हो रही है. डायमेंशंस लिख लो क्या क्या गिवन है. साइड ऑफ क्यूब फोर्टीन सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ जाएगा 7/2. अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब, साइड का क्यूब. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच. एच हमने फाइंड आउट करने, वैल्यूज पुट कर दो. पाई 22/7, आर 7/2 स्क्वायर है इसका. एच वी आर टू फाइंड आउट. ए हमें कितना गिवन है 14, तो 14 का क्यूब. ये 7 हम यहीं कट कर देते हैं, ये 11 हम यहां कट कर देते हैं, तो दिस विल बी 11/7 आ जाएगा डिनोमिनेटर में एंड 2 आ जाएगा आपका यहाँ पे. अब कटिंग्स कर दो, सिंप्लीफाई करो एंड यू विल गेट योर आंसर. ट्वेंटी एट का स्क्वायर बताइए जल्दी से. ट्वेंटी एट
28 का स्क्वायर इज मैम 784. यस इट्स 784. सो दिस इज 784 बाय 11, 71 एंड अ 3 बाय 11 क्योंकि हाइट है ये और बाकी यूनिट्स हमें सेंटीमीटर्स में गिवन है. सो दिस विल आल्सो बी इन सेंटीमीटर्स. सो 71 एंड अ 3 बाय 11 सेंटीमीटर. So 71 and a 3 by 11. यहाँ पे अपॉन में 11 है. 784 by 11. So 71 and a 3 by 11 centimeter is the height of the या length of the cylindrical bar. Question में simply हमें given था cubical copper का piece given था जिसको melt करके cylindrical bar बनाई गई जिसका diameter 7 centimeter given है. Length of the bar या यू कैन से हाइट ऑफ द सिलेंडर यू आर टू फाइंड. सो जब भी एक चीज दूसरे में मेल्ट कर रहे हो रीकास्ट कर रहे हो मेल्ट करके उसकी शेप को तो वॉल्यूम्स इन बोथ द केसेस विल बी सेम. तो हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्म्ड को इक्वेट कर दिया वॉल्यूम ऑफ क्यूब से. क्यूब की हमारे पास साइड थी. सिलेंडर का हमें रेडियस गिवन था डायमीटर गिवन था रेडियस हमने फाइंड आउट किया हाइट हमें निकालनी थी हाइट को हमने h मान लिया वैल्यूज पुट की एंड सिंपलीफाई करके वी हैव गॉट आवर आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा एक तो इसमें ये बनते हैं कि एक मिसिंग जो है डायमेंशन आपको निकालनी होती है. सेकंड इसी में आपके इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं कि एक शेप को दूसरी शेप में मेल्ट कर दिया दूसरी वाली जो शेप बनाई है उसका जो है हमें डायमेंशंस गिवन होंगी और वो कितनी बन सकती है नंबर ऑफ दैट जो भी सॉलिड फॉर्म्ड है वो आपने निकालना है. नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन में वी आर गिवन द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सॉलिड राइट सिलेंडर इज 4 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 7 सेंटीमीटर. हमें एक सॉलिड सिलेंडर गिवन है जिसका रेडियस और हाइट हमें गिवन है. रेडियस 4 सेंटीमीटर और हाइट 7 सेंटीमीटर हमें गिवन है. इट इज मेल्टेड एंड अ सिलेंडर अगेन इससे सिलेंडर बना रहे हो ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 3.5 सेंटीमीटर. स्टेटमेंट में अभी लिखवा देती हूँ. रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 3.5 सेंटीमीटर. अब देखो जब एक बड़ी चीज को आप मेल्ट करके छोटी चीज बना रहे हो तो एक से ज्यादा चीजें बनेंगी वो. आप जब बिग सिलेंडर आपने मेल्ट किया क्योंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उससे जब आप छोटा सिलेंडर बना रहे हो उसका वॉल्यूम कम होगा. तो इट मीन्स जो ये छोटे वाले सिलेंडर्स बनेंगे दैट विल बी मोर इन नंबर एक से ज्यादा होंगे वो हमारे. तो ये नंबर निकालने के लिए अगेन जब हमने नंबर निकालना है इस तरीके से मेल्ट करके हमने बनाया तो छोटे वाले का वॉल्यूम निकालो बड़े वाले का वॉल्यूम निकालो. बड़े वाले वॉल्यूम को छोटे वाले से डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट द नंबर ऑफ सिलेंडर्स जो आपके स्मॉलर वंस हैं. सो राइट डाउन द स्टेटमेंट. रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सॉलिड राइट सिलेंडर रेडियस ऑफ द बेस of a solid right cylinder is 4 centimeter and its height is 7 centimeters. Height is hame given 7 centimeter. On melting this solid ऑन मेल्टिंग वर्ड जहां आ गया मतलब वॉल्यूम ले लो. ऑन मेल्टिंग दिस सॉलिड हाउ मेनी राइट सर्कुलर सिलेंडर्स हाउ मेनी राइट सर्कुलर सिलेंडर्स
ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, एंड हाइट 3.5 सेंटीमीटर कैन बी मेड। छोटे वाले कितने सिलेंडर्स जो हैं इससे बन सकते हैं। सो फॉर फाइंडिंग आउट द नंबर ऑफ सिलेंडर्स, सिंपली वी आर टू डिवाइड द वॉल्यूम ऑफ द बिगर सिलेंडर बाय वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर सिलेंडर। डायमेंशंस लिख लो क्या क्या गिवन है फॉर द बिगर वन। स्मॉलर सिलेंडर का रेडियस 2 सेंटीमीटर, हाइट जो है दैट इज 3.5 सेंटीमीटर यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। फॉर द बिगर वन रेडियस इज गिवन टू बी 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज गिवन टू बी 7 सेंटीमीटर। सो नंबर ऑफ स्मॉल सिलेंडर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इस वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। वॉल्यूम मैम ऑफ आंसर इज 28। ये नो इट्स 8। चेक कर लो बच्चे एक बार। मैम इट इज वॉल्यूम 8। या इट्स 8। पाई से पाई डायरेक्ट कैंसिल कर देना। अब वैल्यूज पुट कर दो। दिस इज 4 × 4 × 7 अपॉन में 2 × 2 × 7/2 ऊपर चला जाएगा, 8 आएगा बच्चे। इवा कैलकुलेशन चेक कर लो बेटे। द नंबर यस ऑफ सिलेंडर्स फॉर्म्ड इज 8। सो ये आपके जो है क्वेश्चंस से रिलेटेड टू सिलेंडर। नाउ कोन वाले क्वेश्चंस अब हम करेंगे। बेटे इसमें जो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस है ना दैट आई एम नॉट टेकिंग, क्योंकि वो आप बुक में आपके अवेलेबल हैं क्वेश्चंस आपके पास। तो मेरा जो है इस टाइम पर्पस ये है कि मैं जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको दे सकती हूँ ताकि आप उनकी प्रैक्टिस कर सकें। फ्रॉम द नेट ऑल्सो यू कैन डाउनलोड द क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस। नाउ सिंपल से स्टार्ट करेंगे कोन में भी। देखो अब हमें गिवन है यहाँ पे फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हुज रेडियस इज R/2। फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हुज रेडियस इज 2 एंड रेडियस इज R/2 एंड स्लांट हाइट इज 2L। कोन के केस में ये होता है हमारे पास दिस इज अ स्लांट हाइट, दिस इज एच, दिस इज आर। क्योंकि राइट सर्कुलर कोन होता है तो L² इज R² + H²। कर्व्ड सरफेस एरिया इज पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया जो है दैट इज पाई आर इंटू R + L एंड द वॉल्यूम इज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज 1/3 πr² h। तो ये आपके जो है इसके फॉर्मूले आपको गिवन है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, रेडियस गिवन है, स्लांट हाइट गिवन है। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखूं तो रेडियस एंड स्लांट हाइट ही मुझे चाहिए, दोनों मुझे गिवन है। पुट द वैल्यूज एंड टेल मी द आंसर। करो इसको, वैल्यूज आपके पास हैं, पुट द वैल्यूज।
एंड आंसर बताइए क्या आ रहा है। टिल देन आई एम राइटिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसको जब तक सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटे, जल्दी करो। मैम पाई आर बाय टू टू एल प्लस आर। पाई आर बाय टू टू एल प्लस आर। इट्स पाई आर बाय फोर इंटू फोर एल प्लस आर। चेक करो एक बार। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम मेरा पाई आर एल प्लस आर अपॉन फोर आ रहा है। पाई आर एल प्लस आर अपॉन फोर। पाई आर स्क्वायर बाय फोर आना चाहिए। दिस देखो यहाँ पे मैं पुट करवा देती हूँ वैल्यूज। आर क्या है आपका, दैट इज रेडियस इज आर बाय टू। एक मिनट लेट मी चेक द स्टेटमेंट। यस रेडियस इज आर बाय टू, तो ये हमारा बन जाएगा पाई इंटू रेडियस की जगह मैंने आर बाय टू पुट कर दिया। यहाँ पे भी रेडियस इज आर बाय टू प्लस जो स्लांट हाइट है दैट इज ट्वाइस ऑफ एल। सो दिस इज पाई आर बाय टू इंटू यहाँ पे एलसीएम ले लो, दिस इज आर प्लस फोर एल बाय टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपके। सो दिस इज पाई आर बाय फोर इंटू फोर एल प्लस आर या आर प्लस फोर एल। सो दिस विल बी योर आंसर। चेक योर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो एंड मेक द करेक्शन इफ देयर इज एनी मिस्टेक। जिनका हो गए राइट डाउन दिस स्टेटमेंट नंबर फोर। यहाँ पे अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। हमने सिंपली आर को रिप्लेस किया है रेडियस की जगह आर बाय टू और स्लांट हाइट की जगह टू एल, उसके बाद एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया है। अब क्वेश्चन नंबर देखो फोर है। इफ रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज हाफ, जितना पहले था उसका रेडियस उसका हमने हाफ कर दिया। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज डबल्ड, रेडियस हाफ किया हाइट डबल की, तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द न्यू कोन इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द फर्स्ट कोन या इज हाफ दैट ऑफ द ओरिजिनल कोन। तो डाइमेंशंस हमें न्यू वाले की भी लिखनी है ओरिजिनल वाले की भी लिखनी है। तो इधर मैं लिख रही हूँ ओरिजिनल वाले की और इधर मैं लिख रही हूँ न्यू वाले की, ठीक है। ओरिजिनल वाली आर और एच ले लेंगे, रेडियस हम मान लेंगे आर है और हाइट हम मान लेंगे एच है, और जो न्यू वाला है उसका रेडियस और हाइट। देखो क्या कहा उसने, इफ रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज हाफ, रेडियस पहले कितना था आर, इसका क्या कर दिया मैंने हाफ कर दिया। एंड हाइट इज डबल्ड, एंड हाइट इज डबल्ड, पहले हाइट कितनी थी एच थी, डबल की तो कितनी हो गई टू एच हो गई, ठीक है। अब क्या कंपेयर करना है हमने दोनों के वॉल्यूम्स को कंपेयर करना है, तो ओरिजिनल वॉल्यूम दिस इज वन बाय थ्री पाई आर स्क्वायर एच, और इधर न्यू वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम वन बाय थ्री पाई आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा आर बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच की जगह क्या हो जाएगा टू एच। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, वन बाई थ्री पाई ये वाला आर स्क्वायर अपॉन फोर इंटू टू एच, ये टू और ये टू कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ ध्यान देना है आपने, यहाँ आपको स्मार्टनेस थोड़ी सी दिखानी पड़ेगी।
जो फर्स्ट वाला कोन था उसका वॉल्यूम क्या था, 1/3 πr² h, 1/3 πr² और h, तो इनको मैंने इकट्ठा लिख लिया, 1/3 πr² h, इनको मैंने इकट्ठा लिख लिया। क्या रह गया यहाँ पे मेरा 1/2, ठीक है, और 1/3 πr² h क्या था, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट कोन या ओरिजिनल कोन, तो न्यू कोन की जो वॉल्यूम है दैट इज हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट कोन, और यही चीज हमें शो करनी थी। क्वेश्चन में क्योंकि फर्स्ट कोन की फॉर्म में था तो मैंने फर्स्ट कोन की फॉर्म में लिख दिया, यहाँ पे ओरिजिनल कोन भी हो सकता है, तो दैट्स वन एंड द सेम थिंग, तो उसका आपने ध्यान रखना है। चलिए अब ये थोड़ा सा ध्यान से करना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन फिट इन अ क्यूब हुज एज इज 14 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या गिवन है, एक क्यूब गिवन है जिसकी एज 14 सेंटीमीटर है, मुझे ये बताना है कि इसमें जो है जो कोन फिट हो सकता है उसका वॉल्यूम बताना है, मतलब मैक्सिमम जितना इसमें एक कोन फिट हो सकता है उसका मुझे क्या बताना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि कितने जो है उस वाला कोन जो है इसमें फिट हो पाएगा। स्टेटमेंट लिख लो पहले, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन फिट इन अ क्यूब, दैट कैन फिट इन अ क्यूब whose edge is 14 centimeter या whose side is 14 centimeter, edge word आ गया तो it means हम उसकी साइड की बात कर रहे हैं। अच्छा आप देखो ये हमारे पास है क्यूब, अब इसमें देखो जो मैं कोन फिट करूंगी, क्योंकि क्यूब की जो मुझे साइड गिवन है, जस्ट अ मोमेंट, आई थिंक नाउ द स्टेटमेंट इज क्लियर टू यू, so you can write down the statement, find the volume of the largest right circular cone that can fit in a cube whose edge is 14 centimeter, whose edge is 14 centimeter। अब जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें फाइंड द लार्जेस्ट कैन फिट वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपने ध्यान रखना है, अब जो इसमें कोन बनेगा ना, कोन जो मैक्सिमम इसमें फिट हो सकता है, कोन की हाइट जो है वो इसकी एज के इक्वल होगी, ठीक है, तो जो कोन मुझे फॉर्म करना है उसकी इट मींस हाइट मेरे पास कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर, और सेम वे में जो उसका कोन का बेस बनेगा वो भी मेरे पास क्या बनेगा, दैट विल बी अगेन 14 सेंटीमीटर, तो जो कोन हम इसमें मैक्सिमम फिट कर सकते हैं that cone will have a height of 14 centimeter as well as a diameter of 14 centimeter. So, इसमें आप mention कर दोगे. So, edge of the cube 14 centimeter. ये हमें given है. So, diameter of largest cone. That can fit in cube that is equal to edge of cube that is 14 centimeter. Diameter
एंड हाइट कर लो, हाइट एंड डायमीटर. तो दिस इंप्लाइज आर भी हमारे पास, सॉरी डायमीटर है तो डी आ गया मेरे पास 14 सेंटीमीटर एंड हाइट आ गई मेरे पास 14 सेंटीमीटर. अब डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना आ जाएगा 7. अब रेडियस है, हाइट है, फाइंड आउट द वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ का फॉर्मूला लगा लोगे वन बाय थ्री पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यूज पुट करो एंड यू विल गेट योर आंसर. अब इसको सिंप्लीफाई कर लो. पॉइंट्स में आंसर दे देना. If any doubt is there in this, you can ask. Otherwise, moving on to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में वी आर गिवन, रेशियो से रिलेटेड है ये. नेक्स्ट में मुझे गिवन है टू कॉन्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 1:3. टू कॉन्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 1:3 and the radii of their bases is, and the radii of their bases bases in the ratio 3:1. हाइट्स की और रेडियस की जो है हमें रेशियोज गिवन है. शो दैट देयर वॉल्यूम्स आर इन द रेशियो 3:1. हमें हाइट्स की रेशियो गिवन है, हमें रेडियाई की रेशियो गिवन है, हमें वॉल्यूम्स की रेशियो जो है वो शो करनी है. So I hope you can do this. चलिए कौन बताएगा? Easy है, मुश्किल नहीं है. Ratio आपको पता है जब given होती है तो हम एक common factor लेके उनको simplify करते हैं. चलिए, हाँ जी, एनी वन ऑफ यू. हाइट्स की रेशियो हमें गिवन है बच्चे 1:3. यस दिया, ये इधर मैम हाइट रेशियो. हाँ जी, रेशियोज गिवन है तो हाइट वन फर्स्ट कोन की हाइट हो जाएगी 1x एंड हाइट ऑफ सेकंड कोन विल बी 3x. यस, ये हो गई x, h ही ले रही हूँ मैं इसको. So this will be 3h. Very good. अब रेडियाई की रेशियो इज 3:1. तो रेडियाई ऑफ फर्स्ट, रेडियस ऑफ फर्स्ट कोन विल बी 3x एंड रेडियस ऑफ सेकंड कोन विल बी 1x. Yes, very good. 1r. So this is 3r
एंड दिस विल बी वन आर, दैट इज आर. वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन क्या आ जाएगा? 1/3 पाई आर की जगह 3 आर का स्क्वायर इंटू एच. सो दिस विल बी पाई बाई 3 × 9 r² h. ये कैंसिल होके दिस इज 3 πr² h. v1 से मैं इसको डिनोट कर देती हूँ. सेकेंड वाले का वॉल्यूम जो है वो हम v2 से डिनोट करते हैं. तो दैट विल बी 1/3 π r की जगह r रहेगा, h की जगह आ जाएगा 3 h. ये कैंसिल आउट हो गया. सो दिस इज πr² h. अब दोनों कोन्स का हमें वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना है. तो v1 अपॉन v2 इज 3 πr² h अपॉन πr² h. ये कैंसिल आउट हो गया. दिस इज 3/1, यानी कि रेशियो इज 3:1. यही हमें शो करना था, दैट द रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम्स इज 3:1. अर्शप्रीत बच्चे, इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क. आई थिंक आपने बताने के लिए हैंड रेज किया था. यस मैम. ओके बेटा. So if any doubt is there in this question, you can ask. Otherwise, moving on to the next question. Chota sa question ho jayega. Still 2 minutes are left. Isme I hope aapne kar liya hoga. Question next hai hamara. Radius and slant height of a cone are in the ratio 3:5. Ab hume रेडियस और स्लांट हाइट की जो रेशियो है वो गिवन है 3:5, और कर्व्ड सरफेस एरिया हमें गिवन है 135, एंड वी आर टू फाइंड इट्स रेडियस. सो क्वेश्चन है रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ अ कोन. R in the ratio 3:5. If its curved surface area is 135 πcm², find its radius. अब देखो अगेन हमें रेशियोज गिवन है रेडियस की और हाइट की. कॉमन फैक्टर ले लोगे दोनों का तो आपके पास रेडियस और हाइट आ जाएगा. तो रेडियस 3x हो जाएगा एंड हाइट विल बी 5x. मैंने h या r यहाँ इसलिए नहीं लिया क्योंकि h को मैं r की टर्म्स में नहीं लिखना चाहती. अब कर्व्ड सरफेस एरिया कितना गिवन है? That is given to be 135 π. कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पुट करो. आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? अब यहाँ पे l निकालना पड़ेगा क्योंकि रेशियो किस किस की गिवन है हमें? रेशियो इज गिवन ऑफ द बेस एंड द, अच्छा स्लांट हाइट ही है यहाँ पे, ठीक है. L गिवन है हमें तो पाई एज इट इज, क्योंकि ये पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे या यहीं कैंसिल कर दो इनको. R की वैल्यू है हमारे पास 3x, L की वैल्यू है 5x, दैट इज इक्वल टू 135. x² इज इक्वल टू 135 अपॉन 15 हो जाएगा. अब 15 के टेबल में यू नो आपका 135 9 पे आता है. सो x² इज इक्वल टू 9, यानी कि x इज इक्वल टू 3. कॉमन फैक्टर 3 आ गया. रेडियस उसने पूछा था तो रेडियस इज 3x, दैट इज 9 cm में यूनिट्स गिवन है तो रेडियस इज 9 cm. प्रीवियस क्वेश्चंस में भी मैंने कहीं यूनिट मेंशन नहीं किया है, बट यू पीपल आर सपोज्ड टू राइट डाउन द यूनिट विद ईच एंड एवरी डायमेंशन. नहीं समझ आ रहा तो यहाँ वहां पे यूनिट्स वर्ड ही लिख दे देना बेशक. सो इफ एनी डाउट इज देयर इन दिस यू कैन आस्क, अदरवाइज द बेल हैज गॉन. सो आई एम एंडिंग द मीटिंग.